जी आ जाए अंदर। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? चौंक गए ना? हाँ चौंक गया। कैसी हो? और वो हमीदा आंटी कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मम्मी भी ठीक है, तुम कैसे हो? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ यूं अचानक कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी। काफी दिन हो गए थे, तुम्हारी कोई खैर खबर ही नहीं थी। हाँ वो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। एनीवेज वो अम्मी बता रही थी कि तुम बीमार थी, हॉस्पिटल गई थी, तो अब कैसी हो? ठीक हो? अब ठीक हूँ मैं, और भी ठीक हो जाऊं इसलिए तुम्हारे पास आ गई। कुछ दिन यहीं रहूंगी इसी घर में। अच्छा किया, अच्छा किया। वो अम्मा कहाँ? उन्होंने ही भेजा है मुझे। खाना खा लो, तुम जाओ, मैं फ्रेश हो गया। माशाल्लाह मारिया जी पूरी कोशिश कर रही हैं कि हमारे घर में अपना वैसे दुनिया में तुम्हारी खाला जैसी कोई दूसरी खातून भी शायद ही पैदा हो। अजीब है भाई ये, मतलब तो क्या बातें हो रही हैं बाप बेटा में? तारीफें कर रहे थे तुम्हारी फैमिली की, ये मारिया के बारे में कह रहे थे कि कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी बदल गई है ना। हाँ और आज उसने खाना कितना मजे का बनाया और इतनी जल्दी बनाया। जी माशाल्लाह वाकई बहुत तब्दीली आ गई है, पहले तो इतनी नेक परवीन नहीं थी, अचानक ही कुछ हुआ उसे। हाँ भाई मरते मरते बची है बेचारी, इंसान को भी इतना बड़ा झटका लगे तो वो इंसान बन जाता है। वैसे तुम्हारी बहन जो है ना वो अजीबो गरीब खातून है भाई, यानी अपनी बच्ची की भी पलट के खबर नहीं ली उसने। हाँ अब आ गई है ना मारिया, हम दोनों बहनों को भी मिलवा देगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा माँ मैं सोने जा रहा हूँ। अरे मारिया चाय बना रही है ना, चाय पी के जाना। खुद कमरे में ले आइएगा, मुझे रेस्ट करना है। अच्छा ठीक है, मैं मारिया के हाथ भिजवा देती हूँ। जाओ 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 तुम। खामखा क्यों जिद करती हो तुम? जब वो कह रहा है कि चाय तुम लेके आओ तो तुम ही लेके जाना, मारिया को जरूर देनी। क्या हो गया आपको? खाम खा मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं आप। क्या हो गया? खाना खाने के बाद सर चकरा रहा है, तनी क्या हो गया? तबीयत बोझल सी हो रही है, मेरे ख्याल में बीपी हाई हो गया क्योंकि मैं फवाद से चेक। हाँ उसको चाय दोगी तो उसको कहना बीपी भी चेक कर। अच्छा, और मुझे यहीं पे दे दो चाय। अच्छा ठीक है। अंदर आ सकती हूँ? तुम तो वाकई बहुत बदल गई हो, पहले तो अंदर आने के लिए कभी नहीं पूछा।
आपको बुरा लगता था ना, इसलिए मैंने अपनी आदत बदल दी। थैंक्स। किरण अच्छी लड़की है। तुम कहाँ मिली किरण से? मिली नहीं, आंटी बता रही थी उसके बारे में, बहुत तारीफ कर रही थी उसकी। अम्मा ने तुमसे तारीफ की किरण की? खाना बनाते हुए बता रही थी कि आप उसे पसंद करते हैं, रिश्ते की बात चल रही है। पता नहीं क्या हो गया अम्मा को, समझ में नहीं आ रहा। कितनी बार समझाया उसका रिश्ता कहीं और हो रहा है, किसी और से शादी हो रही है उसकी, पता नहीं क्या हो रहा है। समझ नहीं पा रहा, मैं नहीं समझ पा रहा, किरण नहीं समझ पा रही। कॉम्प्लिकेशंस हैं, अभी हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा कुछ भी सॉर्ट आउट। मैंने तो सुना था सच्ची मोहब्बत में कोई मसला रुकावट नहीं बनता, आखिर में जीत सच्ची मोहब्बत की होती है। सच्ची मोहब्बत? पता नहीं, सच्चे और झूठे जज्बात के दरमियान फर्क मिटता जा रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जो हम किसी से करते हैं, या वो जो कोई और आपसे करता है। क्या मतलब? कुछ नहीं। कितना अजीब लफ्ज है ना मतलब, जहां मतलब हो वहां मोहब्बत नहीं, और जहां मोहब्बत हो वहां मतलब को मारना पड़ता है। मारिया, तुम इतनी मुश्किल बातें कब से करने लगी? मोहब्बत से बड़ी कोई मुश्किल नहीं होती, इसलिए मोहब्बत में सारी बातें मुश्किल लगती हैं। मैं तो बस आपकी मोहब्बत को समझने की कोशिश कर रही हूँ। नाश्ते में क्या बनाऊँ? मैं सोच रही थी कि हलवा पूरी बनाऊँ आपके लिए। जो कुछ भी तुम्हारा दिल करे बना लो। मारिया, वो उस दिन बदतमीजी की थी तुमसे, मिसबिहेव किया था, तो उसके लिए मैं रियली सॉरी। पता नहीं क्या हो जाता मुझे, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया मुझे। माफ कर देना यार, मुझे माफ कर देना उसके लिए। कोई बात नहीं, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। अरे बेटा बस करो। अरे तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है, अंगारे की तरह हाथ गर्म है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो गर्म पानी से बर्तन धोए थे ना, इसीलिए आपको लग रहा होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें तेज बुखार हो रहा है, मैं फवाद से कहती हूँ तुम्हें गोली दे देगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने कमरे में जाके आराम कर लेती। अच्छा ठीक है, जाओ तुम जाके आराम करो, मैं फवाद से कहती हूँ तुम्हें दवाई दे देगा। जब से आई है बच्ची, घर के काम किए जा रहे हैं, कभी खाना पका रही है, कभी बर्तन धो रही है, इतना मना करती हूँ फिर भी नहीं बाज आती। जहाँ क्यों नहीं करेगी जी, भांजी किसकी है आखिर? जाहिर है मेरी भांजी है। अकल बहुत मोटी है आपकी, तंज भी करो तो आपकी समझ में नहीं आता। आपकी जो भांजी है ना, ये सारी इसकी प्लानिंग है। जब से उसे पता चला है कि हमारे बेटे की किरण से बात बनती नजर आ रही है, आ गई रंग में भंग डालने। मैं कौन सा उसे बहू बनाने के बारे में सोच रही हूँ? बहू बनाने के बारे में नहीं सोच रही है तो इतनी तारीफें क्यों कर रही हो? अच्छा आप मुझे कल 10,000 रुपये दे दीजिएगा। किस खुशी में जी, अब क्या बैठे बैठे क्या ख्याल आ गया आपको? भाई मैं उस बच्ची के लिए जाके कल बुटीक से कपड़े ले आऊँ, मुझे पता है उसकी माँ कहाँ से लेती है। अब दे दीजिएगा मुझे पैसे। देखता
तो अपनी बहन की तरह तुमने भी अपनी आंखों पे खुदगर्जी की पट्टी बांध दी। तो क्या करूं, आप सब मुझे छोड़ के चले गए, आप अम्मा बड़ी सब। इसका मतलब है कि तू काले इल्म में पड़ जाए। जानती मैं इसी काले इल्म की वजह से मैं इस घर में कभी दाखिल नहीं हो सका। इसी काले इल्म की वजह से आलमारा ने इस घर के माहौल को कितना नजिस कर दिया था और तू भी उसकी नक्शे कदम में चल पड़ी। ये सिखा रहा है मैंने तुम दोनों को। ये काला इल्म वक्ती कामयाबी जरूर देता है लेकिन इंसान की सारी जिंदगी स्याह हो जाती है। जानती हूँ लेकिन मैं क्या करूं, आप सब ने मुझसे पर्दा कर लिया। बाहरी दुनिया उनके लोगों से मुझे बेवफाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला। तुम इतनी कमजोर कब से पड़ गई कि तुमको सहारों की जरूरत पड़े? इंसान कमजोर हो जाता है सहारों से, मजबूत नहीं होता। रही बात तो सड़के की, मजबूर था अपनी जिद्दी माँ के आगे, उसका कोई कसूर नहीं था। बाबा आप मुझसे वादा करें कि अब आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं नहीं, मेरा वजूद नहीं है। मनसब के कुछ काम जरूर बचे हैं, उनके मुकम्मल होते ही चला जाऊंगा इस दुनिया से। तुमको अपने मसाइल खुद हल करने होंगे। हेलो। हेलो, हाँ फवाद, अम्मी स्कूल से निकल गई हैं। बोलो क्या हुआ? तो तुम यहाँ आ रही हो कि मैं आऊँ? ठीक है, मैं भी पहुँच रही हूँ। ठीक है, ओके। तुमने तो बेटा मुझे डरा ही दिया। आप लोगों के उठने का इंतजार कर रही थी, नाश्ता चाय सब तैयार है। अरे बेटा ये तो तकल्लुफ करने की क्या सीमा थी? तकल्लुफ कैसा थी, और वैसे भी मैंने फवाद से वादा किया था हलवा पूरी का नाश्ता बनाने का। तुम कब से उठी भी हो? मैं तो सोई ही नहीं, नींद ही नहीं आई मुझे। अब बेटा मैं तो हलवा पूरी खाती नहीं हूँ, रात भी पूरी रात मेरे सर में दर्द रहा है और अब तो सीने में भी जलन हो रही है। मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तुम ऐसा करो फवाद को उठा के ना उसको नाश्ता करवा देना। जब तक मैं इस घर में हूँ आंटी, आपको फवाद के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, ख्याल रखना अपना। हम दोनों ने एक साथ बहुत ज़्यादा मुश्किलें काटी हैं, मैं समझ सकता हूँ ये बात, लेकिन किरण ये जो अब स्टेज आ गई ना, ये समझो ये लास्ट स्टेज है, तो प्लीज़ हिम्मत ना हारना। मैं क्या करूँ बाबा, मैं अपनी अम्मी जान को और मज़ीद परेशान नहीं कर सकती। हाँ तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है, मंगनी रिश्ता, ये बहुत अपसेट होंगी वो। किरण अब हालात बदल चुके हैं, उनकी कार्रवाइयाँ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, वो बहुत बदल गई हैं। ये भी तो सोचो कि अगर हम फिर से एक हो जाते हैं तो हमें कितनी मुतमईन हो जाएंगी तुम्हारी तरफ से, कितनी ज़्यादा मुतमईन, प्लीज सोचो। लेकिन वो दिलनवाज, कितनी बार बता चुका हूँ कि वो नहीं आ सकती है हमारे घर में, नहीं दाखिल हो सकती, समझो इस बात को प्लीज। लेकिन कब तक फवाद, कब तक नहीं आ सकती वो?
वो नहीं आ सकते, लेकिन हम भी तो घर से बाहर नहीं जा सकते ना। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है फवाद, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो उस दिन मुझे मार भी सकती थी, लेकिन मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं बस अपनी अम्मी जान की वजह से बहुत मजबूर हूँ। और हाँ, अगर बात मेरी होती ना तो मैं दिल नमाज से लड़ जाती। मैं अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। लेकिन फवाद, मेरी अम्मी का ख्याल मेरे सारे कदम रोक देता है। किरण, हम दोनों मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। प्लीज, हम दोनों साथ होंगे तो लड़ लेंगे, हर चीज से लड़ लेंगे। किरण, हर चीज से लड़ लेंगे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। किरण, ट्रस्ट मी, इस बारे में मुझे कहना। मैं प्लीज बहुत थकती हूँ किरण, मैं बहुत थकती हूँ। कोई ना कोई हल तो होगा, कोई ना कोई हल तो होगा, कोई ना कोई हल तो लाजमी होगा। दिल नमाज का थक गया हूँ किरण, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। प्लीज 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 हेल्प मी। सारी शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन मेरी ज्वेलरी अभी बाकी है और ज्वेलरी हम लोगों ने लेनी है। मैं ज्वेलरी शॉप पे जाऊंगी, ठीक है? और आपको बताया, मैंने एक ड्रेस देखा है, बहुत ही प्यारा। अरे मारिया, तुम यहाँ? रशीदा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अब तो दूर रहो मेरी बच्ची से। मुझे माफ कर दो हमीदा, अब तो हमने वो भूत बंगला भी छोड़ दिया है। इसके जिस्म पर अभी भी नील के निशान है और तुम कहती हो माफ कर दो, भूल जाओ सब कुछ। समझाओ ना अपनी माँ को बेटा। आंटी, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही गलती पर थी, मुझे उस घर में आना ही नहीं चाहिए। फवाद तो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन बेटा, तुम अब हमारे घर आई हो, सबने तुम्हें कितना प्यार दिया है, तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। ये क्या कह रही है मारिया? अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी, आप क्या कह रही हैं? मैं तो कल से बाहर ही नहीं निकली हूँ। अम्मी, मैं तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई हूँ, आप बताएं आंटी को। क्या हो रहा है इसको? पता नहीं क्या कह रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छी बात है, मुझे समझ में खुद नहीं आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मोहब्बत तो कहीं से ना दूर हो सा, वो तो आपको छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी, बदल गई थी। लेकिन मेरी मोहब्बत तो आपके लिए कभी नहीं बदली। सब कुछ छोड़कर मैं आपके पास चली आई थी। क्या कमी रह गई थी मेरी खदमतों में, बोलो? लेकिन नहीं, आपको तो उस किरण से ही मोहब्बत करनी है, उसी के पास जाना है। नहीं सारे, अब मैं आपको उसके साथ एक लम्हा भी गुजारना नहीं दूंगी। मारिया, मारिया बेटा, फवाद, फवाद जल्दी आओ, फवाद, फवाद मुझे फोन करके बताना।
फोन तो उसका यही रह गया, कैसे कॉल करेगा मुझे? फवाद जी, भाजी इसे क्या हुआ है यार? क्या हुआ? बेहोश पड़ी। इसके लिए पानी, पानी। कब से पता नहीं, मैं तो अभी बाहर निकला हूं तो। मारिया, मारिया नहीं नहीं, ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? अच्छा अपना हाथ दिखाओ मुझे। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। सुमित्रा तकलीफ कब से करने लगी? आखिर मसला क्या है? कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। बस इनका जो हाल किया तुमने, ये ठीक है क्या? साफ कर दूंगी। नहीं बेटा हो जाएगा साफ, तुम क्यों करोगी साफ? नहीं बाजी, गंदा इसने किया तो साफ भी यही करेगी। क्यों बदतमीजी कर रहे हो तुम? मेहमान है वो हमारी। आप इसे नहीं जानते, ये शुरू से ही ड्रामे पास है। तुम्हारी माँ कहाँ रही? मुझसे कह के कि मेरे आने तक घर पे ही रहना, खुद गायब हो गई। अब कह देना कि मैं जा रहा हूं। ये फवाद का फोन है ना? आप कौन बोल रहे हैं? आप मेरी फवाद से बात करवा दीजिए। आप मुझे बता दें कि आपको क्या बात करनी है, फवाद इस वक्त मौजूद नहीं है। आप उनकी वालदा से मेरी बात करवा दें। दरअसल फवाद अपने घर पर है और वो अपना फोन यहाँ पड़ोस में भूल गए। आप किरण बात कर रही हैं? आप कौन और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? किरण मैं जहाँ आरा बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में कितना जानती हैं, लेकिन हमारी गुलाम जिन दिलनवाज इस वक्त फवाद के घर में मौजूद है। आप फवाद को कहें कि मुझे फोन कर दें और बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊं। कम से कम किरण के जिस्म में से तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे ना? दिलवास? नहीं दिलवास, ऐसा मत करो प्लीज। किरण के जिस्म से निकल जाओ प्लीज। क्या करूं क्या ना करूं समझ ही नहीं आ रहा। क्या क्या नहीं किया, लेकिन आपको तो इतना साबिया असर नहीं होता, इतना बेहस होता है इंसान, किसी की मोहब्बत का कोई एहसास नहीं होता दिल में, इतना जालिम होता है इंसान। देखो देवास, तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है ना, मुझसे है ना तुम्हारी लड़ाई। किरण को बीच में मत लाओ प्लीज, उसे छोड़ दो, उस पर जुल्म मत करो प्लीज। इसको बेचारी को बीच में मत लाओ, इसको तकलीफ ना दो प्लीज। प्लीज दिलवास, प्लीज मेरी बात मान लो प्लीज। लड़ाई तो किसी से भी नहीं है, मोहब्बत है,
सच्ची मां। बस इसीलिए तो मैं बेबस हूं। किरण को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि उसकी वजह से तो आपको कुछ समझ ही नहीं आता, या फिर अगर समझ आता भी है तो शायद समझना नहीं चाहते। तो बस नहीं, मेरी मोहब्बत छीनने का कोई हक नहीं है। किरण से मोहब्बत करते हैं ना, किरण पसंद है ना, तो बस ठीक है, आज से मैं किरण। ताकि आप किरण से मोहब्बत कर सके, यानी मुझसे मोहब्बत कर सके, क्योंकि मेरे पास तो ये आखिरी हाल है। मैं तो इस तरह आपको नहीं छोड़ सकती, आपके बगैर नहीं रह सकती। तुम ये कैसे कर सकती हो? वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगी खुद के अंदर, तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो कमजोर है, तुम जानती हो ये बात, वो कमजोर है। तो ये धागा उतार के फेंक देना और चले मेरे साथ घर, उस घर जहाँ हम दोनों की शादी हुई थी, याद है ना आपको, जिसे हम दोनों ने साथ मिलके बसाना था। आपको पता है वहां पर एक एक चीज आपका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं तैयार, जहां भी तुम लेके जाना चाहते हो ले जाओ, इसके जिस्म से निकल जाओ प्लीज। पवा, तुम उस भूत बंगले में नहीं जा सकते, तुम अकेले उस भूत बंगले में नहीं जा सकते बेटा। मत रोके मुझे, नहीं बेटा मत रोके, मैं अपनी वजह से किरण की जान खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे मत रोके। तुम किरण हो या दिल नवाज, जो भी हो, तुम कैसी औरत हो? अम्मा मुझे मत रोके, मुझे मत, माँ से उसका बेटा कैसे छीन सकती हो? तुम मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती, मुझे मत रोको। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर, मत रोको, नहीं मेरे बच्चे, नहीं कर, फवाद नहीं होता। अम्मा मुझे मत रोको, फवाद, फवाद नहीं, माँ मुझे मत रोको, नहीं फवाद, इससे मत उतारो बेटा, फवाद इससे मत उतारो, मत रोको, नहीं फवाद, फवाद हेलो। अब ना मेरे हाथ में कोई धागा है और ना ही कोई रुका, तुम जहां लेके जाना चाहती हो ले जाओ। अब जब के धागा आपने उतारे दिया है तो मैं तो आपको कहीं भी लेके जा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं, मोहब्बत में एतमाद जरूरी है, अब मुझे आप पे एतमाद, जा रही हूँ मैं और वहां जाके आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आ। किरण, 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 आंखें खोलो किरण, किरण। भगवान, किरण मैं पानी रहा, किरण, किरण आंखें खोलो, किरण, किरण, बात कर देगी वो उसे, ना जिंदों में रहेगा ना मुर्दों में। तो आप कुछ करते क्यों नहीं है बाबा? मैं कुछ नहीं कर सकता बाबा, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारा यकीन कमजोर है, एतमाद नहीं तुम्हें अपनी ताकत। कैसे आता है ये यकीन, ये एतमाद? बड़ी को कैसे आया था? जुनून जुनून होता है, काला ना सफेद। मेरा जुनून मुझे रोशनी की तरफ ले गया,
भड़क गई आलम आरा अंधेरों में। अगर रोशनी ढूंढोगे तो रोशनी पाओगे, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। तुम्हें अपने रास्ते खुद तलाश करने होंगे। तुम ताकत पे एतमाद रखो, रोक सकती हो तुम उसे। फवाद, पागल मत बनो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर ना गया तो किरण मर जाएगी। बेटा, हम कोई हल निकाल लेंगे ना। इसका कोई हल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं बेटा, नहीं, मैं तुम्हें चुड़ैल के पास नहीं जाने दूंगी, वो तुम्हें मार डालेगी। और अगर किरण मर गई तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। नहीं मेरे माँ, मुझे जाने। फवाद, मेरी बात तो सुनो बेटा। फवाद, फवाद, किरण बेटा तुम ठीक तो हो ना? फवाद कहाँ है? बेटा बेटा तुम आराम करो, आराम करो। अम्मी, फवाद चला गया। फवाद, किरण, किरण, फवाद, फवाद, आंटी फवाद चला गया, आपने उसे रोका भी नहीं। चला गया हमारा फवाद, तुम्हारा दिया हुआ धागा उसने उतार लिया था ना, चला गया वो उस भूत बंगले में, कभी वापस नहीं आऊंगा। ले गई वो चुड़ैल। चाहिए मुझे फवाद को देखना है। ओ बाबा, हम इस वक्त वहां जाके क्या करेंगे? हम जिन्नात से लड़ाई थोड़ा ही कर सकते हैं। तो क्या मैं अपने बच्चे को उस चुड़ैल के हवाले कर दूं? क्या हो गया खालिद? हमारा इकलौता बेटा है। वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, भरोसा रखो मुझ पे। और मैं दिन में जाऊंगा ना, किसी आमिल को ढूंढूंगा जाके। अब रात में कहां जाऊं मैं? तुम कैसे कह सकते हो कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? पहले भी तो वो पागल खाने जा चुका है ना, वो तुम्हारा इकलौता बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे बाबा, तो मैं क्या करूं फिर? अब मुझे लेके चलो, मैंने जाने अपने बच्चे को देखना है, मैं उसे लेकर आऊंगी। अच्छा बस बस बस, आइए साहिब आइए। मुझे पता था आप कभी वादा खिलाफी नहीं करेंगे। देखें,
इस घर की हर चीज आपकी मुंतजर थी। आपके आने से हर चीज खुशी से खिल उठी है साहिब। कब तक यूं कैद करके रखोगी मुझे? बस साहिब, थोड़ा सा वक्त गुजरने दे, कुछ पल गुजर जाए, उसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे मुंतजर हो जाएंगे। बस कुछ याद आने की देर है। याद आया साहिब? फिलहाल तो मुझे किरण के अलावा कोई याद नहीं है, कोई भी नहीं। साहिब, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई किरण नहीं फवाद, अब सिर्फ दिल आवाज है, तुम्हारी दिल आवाज। जिंदगी का हर लम्हा अब तुमने सिर्फ दिल आवाज के साथ बिताना है। दिल आवाज से मोहब्बत करनी है, दिल आवाज का ख्याल रखना है।